Hi everyone, good evening. Good evening, everybody. कितने लोगों ने ज्वाइन किया है और प्लीज मुझे इतना बता दीजिए क्या मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ। पर मुझे यहाँ पता नहीं लग रहा कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। हाय, क्या आप लोग प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी के कमेंट्स नहीं दिख रहे और ना ही ये दिख रहा है कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, बट अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक थम्स अप भेज दीजिए। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप मुझे एक थम्स अप भेजेंगे प्लीज ये बताने के लिए कि आप मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ मुझे किसी का कमेंट नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। ओके, गुड इवनिंग। मेरा नाम है गायत्री रतन, मुंबई महाराष्ट्र से, और मैं मुंबई में बेकिंग और कुकिंग की क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। उसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब, और फेसबुक और इंस्टा आईडीज है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग एंड गायत्रीज फूड चैनल। तो आज आई हूँ आपके लिए बहुत ही सिंपल सा टी टाइम केक लेके। बहुत सिंपल है, अगर आपको कभी बनाना हो किसी गेट टुगेदर के लिए या गिफ्टिंग के लिए या बच्चों के लिए, बहुत ही सिंपली बन जाता है, घर के सामान से बन जाता है। एक सेकंड। घर के सामान से बन जाता है। तो आज हम बना रहे हैं जेब्रा केक। यहाँ पे मुझे नहीं पता लग रहा कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं और किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा। एक कमेंट, एक
थम्स अप का स्टिकर या कुछ तो यस लिख दीजिए इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल. कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, डोंट नो व्हाट इज द इश्यू. ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ. चलिए शुरू करते हैं. थैंक यू अमूल फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म. अमूल के साथ एक बहुत प्यारी जर्नी चल रही है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. और आज बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सा ज़ेब्रा केक. अगर उस चीज को पैटर्न दे दो टूथपिक से तो वो मार्बल केक जैसा बन जाता है, और अगर उसे उसी तरह से रखो तो वो ज़ेब्रा केक बन जाता है. मैंने ऑलरेडी बेकिंग में अभी एक डाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज सुबह से मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. पता नहीं क्या इश्यू था कि सुबह से लाइट नहीं थी, एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग फिंगर्स क्रॉस कि अमूल के लाइट से पहले लाइट आ जाए. और शायद मैं आज लाइट कर ही नहीं पाती क्योंकि 15-20 मिनट पहले ही लाइट आई और मैंने वैसे ही फटाफट एक पैच जो है पैकिंग में डाल दिया ताकि मैं आपको एटलीस्ट वो दिखा सकूं. अगर मैं उसे डीमोल्ड नहीं भी कर पाई गर्म होगा तो, बट आप टेक्सचर देख सकते हो, आप केक देख सकते हो, तो वो मैंने बेकिंग के लिए रखा है. तो चलिए शुरू करते हैं. लेकिन आप लोगों के कमेंट मुझे नहीं आ रहे, मुझे कोई तो कमेंट कर दीजिए प्लीज. हाय, हेलो, आप दिख रहे हो, आप सुनाई दे रहे हो, आप कैसे हो, कुछ तो लिख दीजिए. पेकिंग करते समय पेकिंग का सबसे पहला रूल, सारी चीजें होनी चाहिए रूम टेम्परेचर पे. ये पेकिंग का सबसे पहला रूल है. एंड अभी इज दिस क्लियर कि मैं जूम करूं, उतना तो बता देंगे कि नहीं कि ये क्लियर है कि मैं जूम करूं थोड़ा सा. ओके, फाइनली आई कैन सी अ हाई फ्रॉम नीतू कौर. थैंक यू नीतू जी फॉर सेंडिंग अ हाई. सो एटलीस्ट आई नो कि यू कैन सी मी एंड हियर मी. और अब ये बताइए ये बाउल जो है क्लियर है कि थोड़ा सा जूम कर दो. देखिए थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ. ओके, आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट. आप लोगों को दिख रहा होगा बाउल. ठीक है, अब क्लियर है. तो इस केक के लिए सबसे पहले हमें लगेगा दही. बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ, घर के इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ. तो यहाँ अमूल का दही मैंने लिया है, ये पैक ओपन है क्योंकि ऑलरेडी एक बैच जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने अभी डाला हुआ है. अमूल का दूध, बटर आप ले सकते हो मेल्टेड, लेकिन मैं आज ऑयल यूज कर रही हूँ, आप बटर यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनको रख देते हैं साइड में क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है सामान. ओके, अब यहाँ पे हमारा जो केक है वो बेक हो रहा है धीरे धीरे. अब दो चीजें आपसे कहना चाहूंगी. एक तो जब भी आप बेकिंग करें सारी चीजें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए. हाय प्रगति, कैसे हो आप. सारी चीजें रूम टेम्परेचर पे होना मस्ट है. आप कोई भी चीज फ्रिज से निकाल के डायरेक्टली यूज नहीं करोगे. सेकेंडली, आप जब भी कोई भी टी टाइम केक बनाते हो आपके केक के ऊपर क्रैक आता है विच इज नेचुरल. तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरा जो केक है वो क्रैक हो गया. जब भी हम टी टाइम केक्स बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच उनमें क्रैक आता है. ठीक है, तो आप जब भी बनाए घबराना नहीं, मेरा जो केक है शायद उसमें भी आ जाएगा एंड विच इज वेरी नेचुरल. इट इज वेरी नेचुरल, तो घबराना नहीं है. ओके, हाय कवि,
ठीक है, जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं मैं बता दूं, मेरा नाम है गायत्री रतन, मुंबई महाराष्ट्र से। मुंबई में मैं बेकिंग और कुकिंग की क्लासेस लेती हूँ, और मुझे फिर से ऊपर करना पड़ेगा ताकि आप मेरी शक्ल देख पाओ। अगर किसी ने मुझे पहली बार देखा है तो पहले कमेंट करके बता दीजिए कि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं अमूल की लाइफ में। हाउ मेनी ऑफ यू आर लुकिंग, आई मीन सीइंग मी फर्स्ट टाइम ऑन दिस प्लेटफॉर्म? आप में से कितने लोग मुझे पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं? Can you please comment? कमाल है, I can see 179 people और कोई भी कमेंट नहीं कर रहे। भैया कंजूसी, कमेंट करने में कंजूसी क्यों हो? कमेंट का ऑप्शन है नीचे। पता नहीं आपको क्या कर। ठीक है, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है गायत्री रतन, मुंबई महाराष्ट्र से, और मुंबई में मैं बेकिंग और कुकिंग की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ। साथ में मेरा यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्री कुकिंग क्लब, फेसबुक आईडीज है गायत्री कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग और गायत्री कुकिंग क्लब, जिसपे मैं फ्री लाइव सेशन लेती हूँ रेसिपीज के। और यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो आप, मैंने सारे लिंक्स डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारी रेसिपीज आपको वहां मिलेंगी। साथ ही में इंस्टा आईडीज है बाय द नेम ऑफ गायत्री कुकिंग क्लब एंड गायत्री फूड चैनल। सो वेलकम ऑल। मीना जी, ओके, थैंक यू मीना जी फॉर ज्वाइनिंग। तो शुरू करते हैं हमारा जेब्रा के। तो मैंने कहा जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो जरा मेरा मुझे देख ले, है ना। आप शुरू करते हैं हमारा के। तो आप मेरे फेसबुक पेज गायत्री कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग एंड गायत्री कुकिंग क्लब को फॉलो लाइक कर सकते हो फॉर फ्री लाइव सेशंस। बहुत सारे फ्री लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, वो भी कमर्शियल रेसिपीज मिलेंगी जिससे आप बिजनेस भी कर सकते हो। साथ ही में मेरे यूट्यूब पे आपको सारी नोफेल रेसिपीज मिलेंगी, यूट्यूब पे लाइव सेशन है बेकिंग एंड कुकिंग के, वो भी आप देख सकते हो, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए शुरू। ओके, अब आ जाते हैं हमारे बाउल की तरफ। अब आपने मुझे तो बहुत देख लिया, अब करते हैं काप की बात। ठीक है, प्लीज इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख सके, है ना। ओके ओके, तो अब बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको सारा कुछ रूम टेम्परेचर पे रखना है, कोई भी चीज आप ठंडी यूज नहीं करेंगे या गर्म यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। इसके लिए आपको कम से कम आधे घंटे पहले सारी चीजें निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, दही, कर्ड। ओके, ये अमूल का कर्ड है, देखिए इसी में से मैंने निकाला है, ये पैक ओपन है। तो ये कर्ड है 125 ग्राम 125 ग्राम कर्ड। ठीक है, और इसे अगर आप वेट नहीं करना चाहे, अगर आपके पास 125 ग्राम्स का समझिए आपके पास वेट स्केल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये जो कप है ये 200 ml का है, 200 ml में आपको यहाँ पे लाइनिंग्स दिखेंगी साइड में, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml। तो आपको 150 ml दही लेना है। जब आप 150 ml दही लोगे तो वो 125 ग्राम होता है। ठीक है अनीता जी, मैं बना रही हूँ जेब्रा केक, ये 200 ml का कप है गाइस, वो ध्यान रखिएगा। अगर आप 250 ml के कप में डालेंगे तो उसका मेजरमेंट अलग हो जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसमें जाएगी शुगर। शुगर कितनी है, 100 ग्राम्स, 100 ग्राम शुगर, यानी कि हाफ कप, 100 ml का हाफ कप जो आता है उसको आप लोगे तो 100 ग्राम शुगर होती है। ठीक है, ये डाल रही हूं मैं इसमें, मैंने शुगर को पीसा नहीं है,
आप चाहे तो पीस सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है पीसना, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब पहले दही और शुगर को हम अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि शुगर इसमें पिघल जाए। दिव्या, आई एम मेकिंग जेब्रा केक, टी टाइम जेब्रा केक। तो अभी पहले हमने सिर्फ दही और शुगर लिया है, ओके? और इसे अच्छी तरह से देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि शुगर पिघल जाए। इसलिए मैंने कहा था कि शुगर का पाउडर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो। सविता जी, मैंने जस्ट अभी बताया 200 ml का जो कप है वो लिया है मैंने, 200 ml का ये कप है, इसको भर के मैंने लिया मैदा जो कि 125 ग्राम होता है वजन में, और 150 ml मैंने लिया है दही, इसी में 150 ml का मार्किंग है। मेरे पास दो कप्स है तो एक मैंने वेट के लिए यूज किया। 150 ml आप दही लोगे तो वो होता है 125 ग्राम, और आधा कप मैंने लिया है शुगर जो कि 100 ml का कप है वो होता है 100 ग्राम। सिंपल है, ठीक है? इज इट सिंपल? कोई कॉम्प्लिकेशन है तो कमेंट कर दो डियर। और रेसिपी पसंद आ रही है तो शेयर कर दीजिए, और ज्यादा पसंद आ रही है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे बहुत सारी बेकिंग की रेसिपीज आपको मिलेंगी। उसके अलावा भी बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी, रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, सारे लिंक्स मैंने इस वीडियो के कैप्शन में दिए हैं। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए फ्री लाइव सेशंस के लिए। वेलकम सविता जी। देखिए अब ये बिल्कुल शुगर जो है पिघल गई है, एकदम क्रीमी हो गया, देख रहे हो, है ना, पिघल गई। एसी चल रहा है क्या? मैं फैन बंद कर ये पिघल गया। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। आप प्लीज मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स का यूज कीजिएगा। मेरे जो स्पून्स हैं मुझे मिल नहीं रहे थे क्योंकि मेरे किचन में चल रहा है रेनोवेशन, लेकिन मेरे पास एक स्पून है, टीस्पून जो मैंने रखा है, ये मेरा कहते हैं ना बैकअप प्लान है, कभी ना मिले तो मैं इसे संभाल के रखती हूँ। ये है टीस्पून, देखिए छोटा सा चम्मच जो हमारा चाय का होता है वो, एक टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर बिल्कुल लेवल करके। और सबसे पहले आपको बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का ढक्कन लगाना है, नहीं तो उनका जो एक्टिवेशन प्रोसेस है वो खराब हो जाता है। और हाफ टीस्पून मैं ले रही हूं बेकिंग सोडा। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, आप प्लीज मेजरिंग स्पून लीजिएगा। यहाँ पे मेरा जो ये एक जेब्रा केक मैंने रखा था अंदर, जरा दो मिनट मैं चेक कर लेती हूँ, अवन से आवाज आई है तो। गया है, इसको 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम दूंगी मैं। 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम का मतलब है अवन बंद है, उस 5 मिनट मैंने उस टिन को अंदर ही रहने दिया है, सो दैट अगर उसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश कहीं होगी तो वो बेक हो जाएगा, ओके? अब इस चीज को हम दही के साथ मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। मुंबई
मुझे कोई कमेंट्स नहीं दिख रहे, मिक्स कर दिया, इसे ढक के रखना है 2 से 3 मिनट तक। इससे क्या होगा, इसमें फ्रॉथ आएगा, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दही के साथ मिलके एक्टिवेट हो जाएगा। कोई कमेंट्स है? अभी तक कोई डाउट है आप लोगों को पूछ लीजिए। बेटा पानी पिला दो, पानी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। अभी तक मेजरमेंट्स में कोई डाउट है आपको? हाय दीपा देवी जी, आज सुबह से मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मैं बहुत परेशान थी कि मैं लाइव कैसे करूंगी, आज है भी। और ये बहुत गर्म है इस वक्त, पर मैं आपको थोड़ा सा टेक्सचर दिखा देती हूँ क्योंकि मैं इसे डीमोल्ड अभी नहीं कर सकती, ये बहुत गर्म है। ये देखिए, देखा आपने, इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म है। इसे अगर ज्यादा अंदर रखूंगी तो ऊपर का जो परत है वो हार्ड हो जाएगी और ज्यादा ब्राउन हो जाएगी। ये जो केक हमने बनाया इस इफेक्ट को ज़ेब्रा इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। मैं नाइफ से चेक कर लेती हूँ, ओके। और आपने देखा हल्का सा क्रैक मेरे टी टाइम केक में भी आया है, विच इज नेचुरल नॉर्मल, ओके। अब ये देखिए इसमें कितनी झाग आ गई है, देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग कितना फ्रॉथ है? कमेंट करके बताइए फटाफट, मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए आप लोगों का कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब ये हो गया, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे है मेरे पास 125 ग्राम मैदा जो कि है 1 कप, ये 200 ml का 1 कप मैंने लिया है अच्छी तरह से भर के, जिसका वेट होता है 125 ग्राम मैदा, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा मैदा मैं इसमें ऐड करूंगी बैचेस में, ये मैंने छान के रखा है और बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसे फोल्ड करूंगी। बहुत हल्के हाथों से मैं इसे फोल्ड करूंगी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। मेरा लाइव चल रहा है, जरा हेलो पिंकी, मेरा लाइव चल रहा है, जरा धीरे बात करो ना। वो एक्चुअली ना वो बच्चे सब खेलने के लिए निकल आए, बच्चे भी नहीं कहना मानते हैं बिल्डिंग में, ओके। तो इसे हम हल्का हल्का फोल्ड करेंगे, देखिए इसे बोलते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। मैं अवन को प्रीहीट होने रख देती हूँ, मेरा अवन ऑलरेडी गर्म है, मैंने अभी एक केक निकाला है, लेकिन जब तक हम ये प्रोसीजर करेंगे तब तक वो हल्का सा ठंडा हो सकता है, तो मैं उसे प्रीहीट होने के लिए रख रही हूँ, ठीक है। ये देखिए इसे बोलते हैं कट एंड फोल्ड मेथड, आपको इसकी झाग को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको बहुत ही हल्के हाथों से इस मैदे को बैचेस में इसके साथ इनकॉर्पोरेट करना है। देखिए और ऑफ कोर्स ये थिक हो जाएगा, तो इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए हम दूध का यूज करेंगे। तो यहां तक इज इट क्लियर गाइस? कोई मैसेज करने की कृपा करेगा और मुझे बताएगा कि यहां तक सब कुछ क्लियर है। आप लोग यार कमेंट करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो, प्लीज कर दो, ठीक है। देखिए कोई कमेंट करके मुझे नहीं बता रहा कि हाँ गायत्री यहां तक ठीक है, हमें समझ में आ गया है,
रेसिपी में कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अब ये थिक हो गया है, अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ अमूल का दूध लिया है मैंने, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उबला हुआ दूध लेना है। देखिए मैं आपके सामने हाफ कप ले रही हूँ, उबला हुआ है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा डालूंगी, इस वक्त मैंने हाफ कप लिया है ताकि आप लोगों को पता लगे कि कितना दूध इसमें जा रहा है। कोई कमेंट नहीं करना, कोई बात नहीं, मत कीजिए कमेंट, मत बताइए मुझे, फिर रेसिपी सही नहीं बनेगी तो आप बोलोगे गायत्री ने रेसिपी बताई थी वो सही नहीं बनी, पता नहीं क्या हुआ। तो रेसिपी को लेके अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए ना। देखिए हल्के हाथों से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, लम्स नहीं पड़ने चाहिए। को ग्रुप में डाल दिया था, लिंक शेयर कर दो बेटा। अब हमें इसकी कंसिस्टेंसी सेट करनी है ना, और साथ ही में लम्स भी जो अगर बने हैं तो उनको ये करना है। तो कैसे करेंगे हम, ऐसे स्पैटुला से, इसको विगरेसली मिक्स नहीं करना है हमें, बहुत ही हल्के हाथों से ये काम करना है। अब देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें आधा कप दूध चला जाएगा। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा वैनिला एक्सट्रैक्ट, आपके पास एसेंस हो तो आप डाल दीजिएगा, मेरे पास एक्सट्रैक्ट है मैं वो डाल रही हूँ। बहुत ही थोड़ा मैंने सिर्फ 3-4 बूंद डाला है बिकॉज ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। राउंड टिन देना पड़ेगा, इसे भी मिक्स कर लेंगे। एक ट्रांसपेरेंट भी वेनिला एसेंस आता है वो भी ले सकते हो। लेकिन ये हो गया इनकॉर्पोरेट, यहां तक क्लियर है गाइस, प्लीज कमेंट करके बताइए इसे क्लियर, यहां तक क्लियर है, कोई कमेंट करके बता देगा प्लीज। कमेंट्स जस्ट चेक मुझे कि मुझे यहाँ नहीं दिख रहे। अब ये रिबन कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है, लेकिन थोड़ा सा दूध मैं और ऐड करूंगी, और थोड़ा सा दूध हमें लगेगा क्योंकि जब हम पोर्शंस को डिवाइड करेंगे ना तो एक हिस्से में कोको पाउडर जाएगा, तो उसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए भी मुझे दूध लगेगा। नीतू, थैंक यू नीतू जी, एक आप ही हो जो शुरू से मेरा साथ दे रहे हो, पहले भी मैं बोलती रही कमेंट करके बताइए, मैं ऑडिबल विजिबल, आप आए तो आपने यस बोला, अभी भी मैं बोल रही हूँ
कमेंट करके बताइए इज एवरीथिंग क्लियर, तो आप ही ने बताया, पता नहीं बाकी लोगों को क्या हो गया। अब ये देखिए ये रिबन कंसिस्टेंसी है, देख रहे हैं आप रिबन की तरह ये गिर रहा है, ये देखिए इसको रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक बाउल, मुझे वो दे दो ना कूलिंग रैक का, क्या इसको पलटी करें यहाँ एक मिनट सविता जी बताती हूँ। ये देखिए मैंने वो डीमोल्ड कर दिया कि पीसने में और डाल दूंगी, यहाँ मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया हुआ है तो मुझे दोबारा उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए मिल्क मैंने लिया है, जो मिल्क गया है वो हाफ कप तो चला गया है, उसके अलावा मैंने एक कप चम्मच और लिया है। अब ये मिल्क जो होता है ना बेसिकली मैदे पे डिपेंड करता है, फ्लावर पे डिपेंड करता है कि आपका फ्लावर कितना लिक्विड खींचता है, तो इसका कोई परफेक्ट एज इन ये मेजरमेंट नहीं होता। अब इसमें से थोड़ा बैटर मैं निकाल रही हूँ, ठीक है इसको डिवाइड कर लिया हमने। अब ये जो बैटर है इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब ये मेरा जो है ये लाइट कोको पाउडर है मेरे पास, आप चाहो तो डार्क ले सकते हो, आपकी चॉइस है, मेरे पास लाइट है। अब इसके ऊपर मैं एक चम्मच एक टीस्पून दूध डाल रही हूँ, क्योंकि कोको पाउडर को मिक्स होने के लिए कोई तो लिक्विड चाहिए थोड़ा सा। बेटा स्पून कहाँ है, गिव मी टू स्पून्स। पहले बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि ना ये कोको पाउडर टाइम लेता है इनकॉर्पोरेट होने के लिए। वो क्यों होता है कोई मुझे बताएगा कि ये कोको पाउडर का टेक्सचर ऐसा क्यों होता है, कैन एनीबडी प्लीज टेल मी। थैंक यू दिव्यांश, आप में से कोई मुझे बताएगा कि कोको पाउडर का टेक्सचर ऐसा क्यों होता है। बहु एक और स्पून दो चम्मच, इसमें थोड़ा सा मिल्क और जाएगा क्योंकि हमने कोको पाउडर डाला है तो वो भी लिक्विड को खींचता है। एक टीस्पून मिल्क और डाल दिया मैंने, आप लोग मिल्क पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा फ्लावर के ऊपर डिपेंड करता है फ्लावर कितना मिल्क लेता है। दूसरी बात कोको पाउडर मैंने आपसे कहा ऐसा क्यों होता है, द रीजन इज कोको पाउडर में कॉर्नफ्लावर होता है जो कि घुलने में टाइम लेता है।
क्लियर ओके। इसकी भी कंसिस्टेंसी ऐसी रिबन होनी चाहिए, रिबन की तरह गिरना चाहिए। यह सुभाष जी, इन कोको पाउडर को स्मूथ करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स किया जाता है और कॉर्नफ्लावर की टेंडेंसी होती है कि वो तुरंत मिक्स नहीं होता क्योंकि वो बहुत लाइट होता है। अब इसकी भी कंसिस्टेंसी एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि इस बैटर को हमने रखा है तो सोक किया है फ्लावर ने मिल्क को, लिक्विड को, क्योंकि अगर ये बहुत गाढ़ा होगा तो हमें जो पैटर्न चाहिए जेब्रा का वो नहीं आएगा ढंग से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने लिया है विनेगर। नॉर्मल जो आप चाइनीज खाना बनाते हो खाते हो उसमें जो विनेगर जाता है वो, वैसे तो इसमें दही है ऑलरेडी जिसने अपना काम कर लिया है, पर इसको एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस देने के लिए मैंने 1 टीस्पून विनेगर लिया है। 3/4 टीस्पून यहां डाल रही हूं, 1/4 टीस्पून यहां डाल रही हूं। विनेगर जो है इस बैटर के साथ एक्टिवेट होगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के साथ और इसे और फ्लफी बनाएगा। विनेगर डालते ही देखिए इसका टेक्सचर आपको व्हाइट बैटर में इतना क्लियरली नहीं दिखेगा जितना इस बैटर में दिखेगा। हाय वैशाली, ठीक है। अब हमने लिया है वही टिन, मैंने लिया है बिकॉज अभी जस्ट आपके लिए मैंने एक बेक करके निकाला है बैच। आप चाहो राउंड टिन में भी बना सकते हो, मैं लोफ टिन में बना रही हूँ। आप राउंड टिन था ना एक अंदर दोनों में बना, राउंड टिन में बनाऊ क्या बताइए जल्दी से कमेंट करके। इसमें बनाओ कि इसमें बनाओ जल्दी से कमेंट कीजिए। बटर पेपर दे दो बेटा, बटर पेपर एक स्क्वायर काट के दे दो, कैंची नीचे दे दो। इसमें बनाओ कि इसमें बनाओ, कमेंट फास्ट, बैटर का एक्टिवेशन चला जाएगा। नो लोफ इज ओके, लोफ में बनाए ओके। लोफ में हमने ऑलरेडी ये बना के रखा है आप लोगों के लिए, स्क्वायर अभी स्क्वायर ये देखिए ये मैंने ऑलरेडी रेडी किया है आपके लिए। ठीक है, लोफ में बोल रहे हैं सब, तो लोफ तो मेरा ऑलरेडी लाइन में, टेंशन नहीं है इसमें, मेरा बेकिंग पेपर ऑलरेडी लगा हुआ है ना। अब इसमें मैं डालूंगी, पोर करूंगी पहले ये व्हाइट वाला बैटर। विजिबल है, थोड़ा सा बेंड हो गया, क्या करें इतने बेक्स केक्स बनाते हैं हम, किटिंग्स की भी बस हो गई है। इज इट विजिबल गाइस, दिख रहा है आप लोगों को? एक सेकेंड, दिख रहा है ना कैसे गुरु? अब ठीक है मेरे ख्याल से, है ना ओके। अब क्या करेंगे हम, पहले ये व्हाइट वाला बैटर डालेंगे थोड़ा सा बेस में। इसके ऊपर हम ये चॉकलेट वाला डालेंगे। कंसिस्टेंसी इसीलिए सेट करना बहुत जरूरी है। अब इसके सेंटर में हम व्हाइट वाला पोर करेंगे। इसके सेंटर में जाएगा चॉकलेट वाला, वो अपने आप स्प्रेड होगा। आप देख रहे हैं कैसे पैटर्न बन रहा है,
इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पहले वेनिला ही डालना है, आप चॉकलेट भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप कोई भी बैटर पहले डाल सकते हो। सिर्फ इसको थोड़ा टाइम दीजिए कि वो फैल सके। रेसिपी पसंद आ रही है तो शेयर कर दो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी रेसिपीज और लाइव देखना चाहते हो तो फेसबुक पेजेस को फॉलो करो, यूट्यूब इंस्टा को फॉलो सब्सक्राइब करो। यूट्यूब पे तो मैंने लाइव सेशन शुरू किए हैं, वहां पे मैंने जिंगी पार्सल सिखाया है, पेरी पेरी वेज पिज्जा सिखाया है, कच्ची रागिनी फ्रॉम स्क्रैच सिखाया है, हमारी पिज्जा की सीरीज चल रही है, मेरे फेसबुक पेज पे आपको उसका स्क्रैच से पिज्जा बेस मिल जाएगा, फिर बेस जो आप बना के फ्रीज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, वो रेसिपी मिल जाएगी। वहां पे भी हमने एक पिज्जा बनाया है मार्गरीटा, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हो, लिंक सारे मेरे कैप्शन में है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। ये राउंड भी होता ना तो ज्यादा स्प्रेड होता है, अब इसको जगह कम मिल रही है ना, तो ये अभी देखिए लाइंस थोड़ी पतली होती जा रही है। थोड़ा सा आसपास में चला जाए कोई दिक्कत नहीं। सारा पोर कर देती हूँ अभी सेंटर में। तो देखिए ये पैटर्न बन गया है, ओवन मेरा प्री हीटेड है यहाँ पे, इसमें मैं अभी इसे मैंने इसे 180 डिग्री पे प्री हीट किया अवन को, लेकिन हमें इसे बेक करना है 160 डिग्री पे, बोथ द रॉड्स ऑन पे 160 डिग्री पे। तो ये पैटर्न जेब्रा का बना है, अभी मैं इसे अवन में डाल रही हूँ। डिग्री पे मैं इसे हाफ एन आवर बेक करूंगी। ये देखिए ये मेरा ओवन है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने केक को रखा है। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूंगी जो हमने रेडी किया है वो वाला, लेकिन वो अभी गर्म है, उसे तुरंत हम स्लाइस नहीं कर सकते। हाय जीता, आई एम गुड, हाय नैना जी, आज बन रहा है जेब्रा केक, ओह धूम पे है। तो
अभी गर्म है क्योंकि हमने अभी इसे अवन से निकाला था। ये जो क्रैक मैं आपको बोल रही थी ये टी टाइम केक्स पे आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम गुड जीता, हाउ आर यू? तो ये गरम है, मैं वही सोच रही हूँ इसे स्लाइस करूं कि नहीं। तो एक बैच हमारा गया है अंदर, गाइज यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, बातों बातों में मैं ऑयल डालना भूल गई हूँ, आई एम सो सॉरी। जब हमने बैटर पूरा बना दिया था उस वक्त आपको 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। मैंने आपसे कहा था आप बटर भी मेल्ट करके डाल सकते हो, लेकिन आज मैं ऑयल डालूंगी, लेकिन मैं डालना भूल गई हूँ, आई एम वेरी सॉरी। तो आपको 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। जैसे ही आपने मिल्क डाल के पूरी कंसिस्टेंसी बैटर की सेट कर दी, लास्ट में आपको 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है, या बटर, मेल्टेड बटर, और उसे मिक्स करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इश्यू हो गया है, बट मेरा केक खराब नहीं होगा क्योंकि जो कर्ड और मिल्क का जो फैट है वो उसे संभाल लेगा। अब इसको कट करती हूँ, ये बहुत गर्म है इस वक्त। गरम है, बहुत गरम है। ये देखिए इसमें ये पैटर्न बनेगा, ये इस वक्त बहुत गरम है। देख रहे हैं आप, इस तरह से इसमें पैटर्न बनेगा। इसे अब मैं ज्यादा स्लाइस नहीं करूंगी क्योंकि ये इस वक्त बहुत गर्म है, ये पूरा क्रम्बल हो जाएगा। इसको पूरा ठंडा करके ही आपको स्लाइस करना है। तो मैं एक बार रेसिपी आप सबके लिए रिपीट कर दूं, एक्चुअली नॉट लॉन्ग टाइम, मे बी अ वीक और सो, बिकॉज आई एम टाइड अप विद समथिंग विच आई लेट यू नो वेरी सून। बहुत सारा काम चल रहा है, ऑर्डर्स भी हैं प्रीमिक्सेस के, एंड आई गॉट लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स इन हैंड, तो इस वजह से। बट आई विल स्टार्ट कमिंग लाइव वेरी सून अगेन, यूट्यूब एंड फेसबुक। Some renovation work is going on in my kitchen because of which, you know, I'm not able to spare time because everything is messed up. Okay. तो क्या मैं recipe आप लोगों के लिए repeat कर दूँ? Can you please tell me? Okay, मैं repeat कर देती हूँ। मैंने लिया है 125 grams मैदा, 125 ग्राम्स मैंने लिया है कर्ड अमूल का, ये देखिए 100 ग्राम्स शुगर, साथ में हमने लिया है वनीला एसेंस, मैंने 3 से 4 बूंदे ही लिए हैं बिकॉज मेरे पास प्योर वनीला एक्सट्रैक्ट है। आपके पास एसेंस हो तो हाफ टी स्पून आप डाल सकते हो। ऑयल जाएगा 2 टेबलस्पून, उसकी जगह आप अमूल का मेल्टेड बटर ले सकते हो, ओके? या तो ऑयल जो भी हो, फ्लेवरलेस ऑयल हो, जैसे कि पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या सेसमे ऑयल, ऐसा मत यूज कीजिएगा। न्यूट्रल जो फ्लेवरलेस ऑयल होता है वो यूज कीजिएगा। साथ में जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1.5 टेबलस्पून कोको पाउडर एंड मिल्क एज रिक्वायर्ड। तो हमें ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 3/4 कप मिल्क हमने यूज किया है पूरी रेसिपी में और 1 टीस्पून हमने यूज किया है विनेगर। ठीक है, तो ये है इंग्रेडिएंट्स। और उसके बाद हमने बैटर बनाया है, उसे डिवाइड किया है, एक पोर्शन में हमने कोको पाउडर डाला है और एक पोर्शन को हमने प्लेन वनीला रहने दिया है। मुझसे यहाँ पे एक बाय मिस्टेक में ऑयल डालना भूल गई, आप कैसे भी डालिएगा, जब पूरा आपका वनीला बैटर बन जाता है मिल्क के साथ लास्ट में आपको 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के मिक्स करना है। उसके बाद मेरा अवन जो है 180 डिग्री पे मैंने प्री हीट किया और उसके बाद बेकिंग मैं कर रही हूँ 160 डिग्री पे। हमेशा अवन थर्मामीटर रखिए अवन में, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है टू शो यू द एक्चुअल टेम्परेचर विच इज इनसाइड योर ओवन। ठीक है, अब इसको मैंने 30 मिनट्स का टाइमर दिया है, लाइव शुरू होने के 5 मिनट पहले ही मैंने ये 5 से 10 मिनट पहले मैंने ये रखा था बेक होने विद सेम रेसिपी और इसका रिजल्ट आपके सामने है। तो रेसिपी को लेके कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। शिवनाथ जी थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। आई डू वर्क ऑन माई प्रेजेंटेशंस एंड वर्क, बट एज आई मेंशन आई एम इन द मिडल ऑफ अ रेनोवेशन, मेरे घर में रेनोवेशन चल रहा है। सिंस मॉर्निंग आई डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस, सो टुडे जो लाइव एक्चुअली मैं कर पाई हूँ बाय गॉड्स ग्रेस की इलेक्ट्रिसिटी आ गई, सो मैं प्रेजेंटेशन क्या ही करके आपको बताती, बट इफ इट्स ओके आई टेक योर सजेशन। बट आप जरा मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, जरा मेरे फेसबुक पेज पे चले जाइए एंड आपको पता लगेगा कि मैं किस तरह से चीजें प्रेजेंट करती हूँ और कितनी मेहनत करती हूँ। थैंक यू सो मच शिवनाथ जी। ठीक है, तो ये हमारा जेब्रा केक रेडी है एंड अगर आपको रेसिपी से लेके कोई भी इश्यू नहीं है, आई मीन कोई भी डाउट नहीं है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। हम इस लाइव को यही एंड करेंगे। थैंक यू अमोल फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, ताकि मैं आप जैसे बढ़िया बढ़िया वंडरफुल और प्यारे प्यारे लोगों से मिल सकूं और रेसिपी उनके साथ शेयर कर सकूं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग मी योर सजेशंस एंड अप्रिशिएटिंग माय वर्क एंड गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू अमूल। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज प्लीज अमूल को लाइक फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टा पेजेस और फेसबुक पेजेस को लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, क्या पता आप वो हो जो सब्सक्राइब का बटन हिट करें और 1 लाख हो जाए, यू नेवर नो। और हमारे 100 के मतलब 100 के सेलिब्रेशन का गिव अवे भी अनाउंस है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो आप उस फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड मेरा फेसबुक पेज का जो ग्रुप है लाइव सेशंस का, उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लाइव अपडेट्स एंड PDF रेसिपी PDF सेशन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो। एंड इट वाज सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन एंड सी यू ऑल वंस अगेन। थैंक यू अमूल फॉर इनवाइटिंग मी। तो इस सेशन को अब हम यही एंड करते हैं, फिनिश द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।